तो हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पे। और आज मेरे साथ है रजत शर्मा जी, जो कि JKPSC 2021 के टॉपर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में। अभी वो एज अ असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं। आज हम रजत से पूछेंगे कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की और क्या क्या उनको डिफिकल्टीज फेस हुई, क्योंकि अभी 2023 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो 13 मार्च से इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, 13-14 से। उनके लिए आई थिंक ये सेशन काफी बेनिफिशियल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रजत शर्मा फॉर बीइंग विद मी। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आपको कैसा लग रहा है। दिस इज आई थिंक योर ड्रीम जॉब, तो अभी आपको अपनी ड्रीम जॉब करने यस में कैसा सर, फील हो रहा एंजॉयिंग इट। है? ओके यस सर, और जो सोचा था वैसा हो रहा है। सो द वर्क कल्चर इज क्वाइट गुड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई एम एंजॉयिंग माई जॉब। देर इज नो सच थिंग एज बोरिंग ओवर हेयर। द टास्क आर क्वाइट चैलेंजिंग एंड यस, दैट्स अ लिटिल फन टू। ग्रेट, मतलब यू हैव दैट वर्क सेटिस्फेक्शन बेसिकली। यस सर, ओके ग्रेट ग्रेट रिजल्ट। अभी 2023 में आपके जूनियर्स हैं जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग आई थी तो आपके दिमाग में इंटरव्यू को लेके क्या परसेप्शन थे कि मुझे कैसा प्रिपरेशन करना है, क्या क्या सवाल थे आपके दिमाग में? सर, द मोमेंट आई जस्ट रोट द रिटन एग्जाम, as soon as I just exited the exam hall, I was really confident that I have scored a really good score and I mean selected in the interview for sure. So मैंने उसके 2 दिन बाद से ही इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। सर, 3 तरह के जनरली कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू में जाने वाले हैं। एक ओके वो मेरी तरह के थे सर, जो सिंपली एक बीटेक डिग्री के थे, बिकॉज सब अपनी एमटेक कर रहा था IIT दिल्ली से। सर, ओके दूसरे वो होते हैं जो मास्टर्स डिग्री कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं। एंड द थर्ड वन इज जो शायद सिंपली बीटेक है या एमटेक कर चुके हैं, बट वो करंटली अब जॉब में है सर। ओके तो सर, ये 3 तरह के सिनेरियोज होते हैं और कोई भी कैंडिडेट इन 3 में से एक जगह लाई कर रहा होता सर, और राइट मुझे राइट पता था जस्ट आई एम सिंपली बीटेक। तो सर, राइट जो तीनों से जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, मतलब 20 से 30% फर्क यहाँ आ जाता है सर। और फॉर सपोज अगर एक कैंडिडेट है जो सिंपली बीटेक है, तो उससे ओवरऑल वो सारे के सारे 13 सब्जेक्ट्स पूछेंगे ऊपर ऊपर से, और एक दो सब्जेक्ट्स के वो डेप्थ में जाएंगे। जबकि अगर कोई कैंडिडेट जिसके पास एक मास्टर्स डिग्री है सर, उसके पास एक ज्यादा चांसेस रहते हैं वो अपने ही जो कोर्स है जिसमें वो मास्टर्स कर रखा है उससे क्वेश्चन पूछे जाए। सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा सर कि सिंपली उससे मास्टर्स डिग्री के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट राइट यस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। मतलब, ओके और अगर एक कैंडिडेट है जिसके पास मास्टर्स डिग्री है, वो एक माइंड में एक बात श्योर रखे कि उसकी मास्टर्स डिग्री से उसे सवाल पक्का पूछा जाएगा, राइट वो उससे बच नहीं सकता। और ओके अगर वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा, तो वो उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है, उसको स्कोर काफी अच्छा मिलेगा। ओके राइट सर, एक जो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, कि मतलब एक मिथ था कि मेरे पास तो सिंपली एक बीटेक डिग्री है। मेरा एक और फ्रेंड था सर, वो भी सिंपली बीटेक था, तो ओके हमें माइंड में एक सर मिथ सा रहता है कि हमारे पास बीटेक डिग्री है, मास्टर्स नहीं है, तो कैसा इंप्रेशन जाएगा। बट वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सिंपली बीटेक है, तो भी आपकी स्कोर करने के चांस उतने ही हैं जितने की अगर आपके पास एक बीटेक नहीं है राइट सर। राइट वो ऐसे कई बेसिकली कहने का तरीके, मतलब ये कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में, तो दैट इज सफिशिएंट। यस सर। ओके और सर, जैसे कई बार होता है कि कुछ कैंडिडेट्स एग्जाम में सर, वो या तो उन्हें अगर स्टार्टिंग में लगता है कि उनसे कुछ जब सवाल पूछते हैं उन्हें सब आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सर, और उनकी जो ओके टोन या पिच है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है सर। सो राइट राइट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप काम रहने चाहिए सर, आपकी टोन या पिच कहाँ एक जैसी रहनी चाहिए, राइट राइट तो बैलेंस्ड बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऐसा होना नहीं चाहिए हो कि सर। आप हिट ऑन हिट ऑन हिट ऑन करते जा रहे हैं और वो पैनल यस मेंबर को हिट कर जाए, तो बेसिकली वो नहीं, इससे बचना है। ये नहीं कि सर स्टार्टिंग में बिल्कुल धीरे बोल रहे हैं, लास्ट में बिल्कुल लाउडर, या फिर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऊंचा और बाद में आके बिल्कुल डिम हो गए, वैसा नहीं राइट करना है सर। राइट राइट अब राइट दूसरा रहता है सर कि जनरली वो कोई भी इंटरव्यू हो सर, यूपीएससी हो या स्टेट का पीएससी, बेसिकली दे लुक फॉर कॉन्फिडेंस सर। यस यस अगर आप में वो नहीं है, डजंट मैटर कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको कितना आता है, राइट यू कैन नॉट स्कोर गुड। सो बेसिकली वो टेक्निकल नॉलेज तो रिटन एग्जामिनेशन में चेक कर चुके होते हैं। सो द थिंग इज आई यस सर, थिंक जहां तक मुझे समझ में आया अतुल की रजत जी की दे बेसिकली लुक की आपका कॉन्फिडेंस क्या है, क्या पर्सनालिटी है आपकी, एंड हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स बेसिकली। और सर जब मैं इंटरव्यू में था, तो आगे 12
मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग वन चेयरमैन। और सर ओके आपके चेयर के ठीक पीछे एक बोर्ड रहा लगा रहता, व्हाइट बोर्ड ओके मार्कर, उसपे एक डस्टर साथ रहता। सो कई बार मतलब जनरली हर कैंडिडेट को वो कहते थे, जब वो कुछ पूछ लेते थे 10-15 मिनट बाद, अगर उन्हें लगता था कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है, तो उसे पीछे बोर्ड पे भी भेजते थे। और मुझे ओके याद है उन्होंने मुझे 2 बार 3 बार बोर्ड पे भेजा था, और ओके पहली बार तो उन्होंने शायद मेरे को एक न्यूमेरिकल दे दिया था। अच्छा ओके हाँ वेट ऑफ द, उन्होंने कहा था कि एक स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ सो एंड सो है, डायमीटर इतना है, कैलकुलेटेड वेट। ओके अब वो सबको पता सर, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो बट बेसिकली जनरली जो जब आपको किसी, न्यूमेरिकल दिया तो वो इजी था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट आपको दे दिया हो। तो इंटरव्यू में वो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल दे ही नहीं सकते सर, हाँ इंटरव्यू हाँ हाँ न्यूमेरिकल कुछ एबिलिटी चेक करने के लिए नहीं है सर, वो डिफिकल्ट उन्होंने रिटर्न में दे दिए थे। बट वो सिंपली ये राइट देख रहे थे कि कैंडिडेट पजल तो नहीं होता राइट राइट वहां पर, तो आप राइट लिख के आगे वो अपने कैलकुलेटर यूज किया, पेन चलाया, लेकिन वहां पर आपको बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करने में आप डर तो नहीं रहे। और सर मेरे को राइट याद है कि मैंने जब अपने आंसर लिखे थे तो सर कॉन्फिडेंट होके अप्रोक्सीमेट आंसर लिखे थे, और मैंने कह दिया था कि सर अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में अगर उन्हें वो आंसर चाहिए तो वो कभी भी एग्जैक्ट आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात, राइट राइट तो सर ये एक सबसे जो मतलब मोस्टली है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है सर। अब कॉन्फिडेंस। जनरली क्या होता है कि सर जेकेपीएससी में जनरली 12 से 13 बोर्ड मेंबर्स हैं, आप जब जाएंगे तो सर सबसे पहले चेयरमैन विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो सिंपली कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सर आपको बेसिक ओवरव्यू देना है कि मैं ये हूँ, मैंने यहाँ से अपना स्कूलिंग की है, कॉलेज राइट किया है। उसके राइट बाद सर कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर सपोज ए कैंडिडेट है जो 2018 में पास आउट है और आज चल रहा है 2023, सो ही इज गोइंग टू आस्क कि आप इतनी देर से क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेसिकली, दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गैप। यस सर, द गैप सर मेरे पास भी गैप था, कुछ ओके के पास नहीं आपके था सर रजत, आपके पास एक बार आप बताओ स्टूडेंट्स को कि आपका कितना गैप था। सर। आई जस्ट मैं 2016 में पास आउट हुआ था, उसके बाद सर मेरा एसएससी क्लियर हो चुका था 2019 में, बट उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया था बिकॉज एसएससी जस्ट क्वाइट कीप ऑन डिलेइंग। फिर मैंने ओके गेट गेट 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 483 था सर। सो आई ओके वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम अ पीएसयू, बट राइट कोरोना आ गया और वो वैकेंसीज नहीं आ पाई सर। राइट सो राइट फिर मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले ली, बट सर राइट मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था और मेरा मास्टर्स डिग्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, सो मैंने इंटरव्यू राइट में अवॉइड किया, बिकॉज ये कहना कि मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ ऑन द फर्स्ट थॉट ये अच्छा इंप्रेशन जरूर डालता है, बट बाद में अगर वो डीप उससे क्वेश्चन पूछेंगे राइट इस राइट सब्जेक्ट में राइट मैं राइट रिसर्च कर रहा था यस और आई रजत, नो। मैं बिल्कुल मैं एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ना ये एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं मास्टर्स अभी कर रहा हूँ, अगर मैं मास्टर्स बताऊंगा तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो मैं अपने एंड से बहुत कुछ बताता हूँ, बट मैं आज चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट जवाब बताएं कि उनको मेंशन करें कि नहीं करें। सर इसके सिर्फ दो ही जवाब है, वो कैंडिडेट्स पक्का मेंशन करें जिनकी मास्टर डिग्री के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे हैं, बिकॉज वो उनके लिए काफी पॉजिटिव साइड पे जाएगा, और जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, जिन्हें इतने अच्छे से डिग्री नहीं किया, जो जिनका मेन एम तैयारी था, मास्टर डिग्री सिर्फ एक टाइम पास था, उन्हें करना नहीं चाहिए। बिकॉज एक बार अगर वो थोड़ा डीप चले गए, क्योंकि कई बार रहता है कि सर वो आपसे सिर्फ मास्टर डिग्री ही पूछ लेंगे, आपसे आपका बैचलर पूछेंगे नहीं, और आपका मास्टर डिग्री इतना स्ट्रॉंग नहीं था, तो सर डेट स्क्वेयर टू अगेंस्ट, वो आपके अगेंस्ट जाने वाला है सर। वो अगेंस्ट चला सो आप जाएगा, अगर राइट। आता है तो डेफिनेटली से यस, नहीं आता जस्ट सिंपली अवॉइड इट। ओके सो आपने 16 से लेके 21 में आप रिक्रूट हुए हैं, तो मतलब काफी गैप था अगर हम देखें तो। आप यस लगातार सर, काफी सारे एग्जाम्स क्रैक करते जा रहे थे, बट अल्टीमेटली कुछ हो नहीं यस हुआ था, सर, मतलब कुछ गैप था आपका। वो आपने गैप कैसे यस फिल किया, सर, आपने वो सारा बताया कि आपने एसएससी क्रैक किया है, आपने गेट में आपकी इतनी रैंक है, क्या आप सब, क्या आपने वो सब मेंशन किया या आपने वो बिल्कुल अपने प्रिपरेशन पे ही वो इंक्लिनेशन दे दिया कि सर मैं तो प्रिपरेशन ही कर रहा सर मैंने गैप को जस्टिफाई किया, उन्होंने था। इनफैक्ट चेयरमैन ने मुझसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि आपका गैप में किया क्या। सो मैंने कहा कि सर 2018 में मैंने एक एग्जाम था असिस्टेंट इंजीनियर का, एक क्वालिफाइड इट, मुझे इंटरव्यू कॉल आया, बट कुछ स्टेट में टर्मोइल था, सो वैकेंसीज वापिस से विड्रॉ हो गई, सो वो चीज मेरे हाथ में नहीं थी। फिर मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 483 था, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पीएसयू, बट कोरोना आया और पीएसयू ने रिक्रूटमेंट बिल्कुल वो विड्रॉ कर ली थी। मोर ओवर सर मैंने 2 बार एसएससी क्वालिफाई कर लिया था, बस आई वाज वेटिंग फॉर माय ज्वाइनिंग। और द मोमेंट जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो सर मैंने उनसे कहा था कि सर मेरा स्टेट का जो जेई एग्जाम है, आई हैव स्कोर्ड रियली गुड, और आई एम एक्सपेक्टिंग रैंक टॉप 30।
और ओके लकीली okay. सर आई हैड मेरा रैंक 26 आया था. अरे सो यस वाह दे न्यू कि गुड मैं वो हूँ जिसके पास जॉब आ चुकी है, बट करंटली अभी मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी. ओके सो अगर ओके आपका गैप है और आप बीच में अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या सिंपली तैयारी कर रहे हैं सर, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है. सिंपली ऑनेस्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए आपका कि आपने मतलब कुछ कर कुछ हो रहे हैं बता कुछ हो रहे हैं. हाँ गैप ब्लफ कर दिया होना बेसिकली बुरा नहीं है सर. क्योंकि दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, कितना इंटरव्यू कर चुके होते हैं वो, कि अगर आपने थोड़ा सा ब्लफ किया वो पकड़ लेंगे आपको, बुरी सर गैप होना बुरी चीज नहीं है, बिकॉज अगर चीज नहीं. वैकेंसीज काफी देर बाद आ रही है तो उसमें कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता है. राइट 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 बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप, कहने का मतलब है, अगर आप गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं, ये दोनों ही बातें, अगर किसी कोई भी चीज इंटरव्यू में बुरी और अच्छी नहीं होती है अंटिल अनलेस अगर आप उसको जस्टिफाई ना कर दें. जैसे अगर आप मास्टर्स में गए, नॉलेज आपको अच्छी है, इफ यू जस्टिफाइड योर मास्टर्स तो ये इट विल बी ग्रेट फॉर यू, बट अगर आपने जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उतना ही नेगेटिव हो जाएगा. और इसी प्रकार से जैसे रजत ने बताया कि आपका जो गैप है वो भी बेसिकली ऐसा है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं तो दैट इज गुड, अगर नहीं कर पाते तो फिर वो लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे थे उस स्पैन में. सर अगर हम एक दो केसेस लेते हैं सर, एक कैंडिडेट है जिसके पास 4 साल का गैप है, उसने सिर्फ यार तैयारी की है और राइट वो इंटरव्यू में अच्छा प्रेजेंट कर पाता है, उसके राइट चांसेस की सिलेक्शन 100% होंगे उस कैंडिडेट के कंपैरिजन में जिसने जॉब की ठीक डिग्री खत्म होने के बाद. चार राइट साल तक उसने जॉब की बट वो उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाया जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, राइट क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वैसे रहते हैं जो सिर्फ उन्हीं से पूछे जाएंगे जो कैंडिडेट जॉब करके आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर मैंने एक आरपीएससी के तब इंटरव्यू चल रहे थे जब हमारा स्टेट पीएससी का भी चल रहा था. सर एक ऐसा कैंडिडेट था आरपीएससी ए में जो जिसके पास अबाउट 10 साल का गैप था. ओके सर मैंने किसी प्लेटफॉर्म में उसका इंटरव्यू देखा था. सो ना उसने मास्टर्स की थी ना उसने इस पीरियड में जॉब की थी, बट उसका एक 2 डिजिट रैंक था. सो वो काफी इंस्पायरिंग था कि अगर वो कर सकता है सो 3 4 साल वाला गैप इज नॉट अ बिग इशू सर. राइट. यस रजत, आप बिल्कुल सही, एकदम आपने बिल्कुल पॉइंट एक बात की है कि अगर आप लगातार, आपको लग रहा है कि आपने हार्ड वर्क किया है और किसी भी रीजन से अगर आप अल्टीमेट किसी गोल पे नहीं पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाएगा आपका. यस सर. रजत, मुझे आज भी आपका इंटरव्यू याद है, मैंने आपका एचआर राउंड किया था अगर आपको ध्यान हो तो, और मुझे तो यस सर है, मुझे ध्यान है आपका. हाँ, और शायद मैंने आपको कहा भी था कि आपका काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छा फीडबैक मिला था. तो यस निम्बस सर लर्निंग के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बाद में आपको जो डायरेक्शंस मिली इंटरव्यू की, वो कैसे चेंज हुई आप और कैसे हेल्प किया उसे? सर जनरली जब इंटरव्यू मैंने दिया था मॉक इंटरव्यू था तो सर उसमें दो पार्ट्स थे, एक जो मेरे बारे में जनरल ओवरव्यू था और एक था जो टेक्निकल. जब मेरे को फीडबैक मिला तो सर मैंने दोनों जगह से जो फीडबैक लिया और उस जगह पर इम्प्रूव किया जहां पर मुझे करना चाहिए. सर जो फ्लूड मैकेनिक्स का पार्ट था वो मेरा मतलब फ्लूड मैकेनिक्स अच्छा था, बट जब इंटरव्यू दिया तो वो क्वेश्चन जब मेरे से पूछे गए तो मैंने उन एरियाज में काम किया जहां पर मैं आंसर नहीं कर पाया और उसका काफी सर वो एक प्लस पॉइंट मिला. प्लस आपके यूट्यूब चैनल में सर आपने जो दूसरे मॉक इंटरव्यूज कर रखे थे कैंडिडेट्स के, मैंने वो काफी इंटरव्यूज देखे थे जिससे सर एक मतलब पता चल रहा था कि हाँ जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो आएंगे वो अलग आएंगे और इंटरव्यू में तैयार क्वेश्चन डिफरेंट. राइट अलग आएंगे सर. राइट इंटरव्यूज में फॉर्मूला कम और प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा पूछी जाती है सर. राइट 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 बिल्कुल. सो आपको एग्जैक्टली पता लगा कि टेक्निकल में कैसे करना है, एचआर में कैसे करना है. अच्छा, एक सवाल यस और सर है कैंडिडेट का ना, मतलब कि एचआर हमसे ज्यादा पूछा जाएगा, टेक्निकल हमसे ज्यादा पूछा जाएगा, या नॉन टेक्निकल, क्या स्टेट के बारे में पूछा जाएगा? ये तीन सवाल और हैं जो उस कैंडिडेट के दिमाग में दौड़ते रहते हैं. सर जनरली कैंडिडेट मान के चले सर एक्सेप्शन रहता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं कि जिनसे सिर्फ उनका एचआर पूछा जाता है या स्टेट के बारे में. तो सर अगर आपका नॉन टेक अच्छा नहीं है सर, मतलब नॉन टेक अच्छा नहीं है आपको ज्यादा नहीं आता है तो सर स्टार्टिंग में अगर आपको क्वेश्चन आते हैं आप उनको नॉर्मली आंसर करें. अगर आप नॉन टेक के क्वेश्चन में ज्यादा डीपली जाएंगे तो सर उनको लगता है कि हाँ इसको नॉन टेक अच्छा आता है, टेक्निकल तो सबसे पूछ ही रहे हैं इससे और पूछते बेसिकली, रहते हैं तो बेसिकली कहने सर का मतलब है आपका. कि आप ही डायरेक्शन दे रहे होते हैं इंटरव्यू को, इंटरव्यूअर आपसे यस क्या सर पूछने वाला है. यस सर इनफैक्ट अगर कई बार ऐसा था कि मतलब जब से नॉन टेक की 2 3 सवाल पूछे जाए सर, अगर आप बैक टू बैक दे रहे हैं और अगर वो और पूछे हैं सिंपली अगर 2 3 क्वेश्चन आते भी हैं जस्ट से सिंपली लो और उन्हें टेक्निकल की तरफ ले आए सर. ये जब मैं इंटरव्यू दिया था तो सर तो स्टार्टिंग में मेरे से पर्सनल पूछा गया, मेरे से उन्होंने मेरे होम टाउन के बारे में 2 3 सवाल पूछे थे. सर आपको स्टेट के बारे में आए ना आए आप किसी भी स्टेट के एस्पायरेंट ही हैं, बट आपको आपके होम टाउन के बारे में छोटा मोटा बता रहना चाहिए सर जो बेसिक बिल्कुल, वो दिखाता है कि एटलीस्ट आप इतने अवेयर तो है कि जहां रह रहे हैं वहां का तो पता है एटलीस्ट आपको.
उतना सर एक मिनिमम होना चाहिए कि मिनिमम आपके होना डिस्ट्रिक्ट चाहिए। का वेदर कैसा है, एलिवेशन कैसा है, या वहां पर अगर बिल्कुल कुछ मोस्टली वो लोग टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा को कैच करते हैं सर, कि आपके ओके डिस्ट्रिक्ट ओके में टूरिस्ट स्पॉट या कोई इकोनॉमिक हब ऐसा किसी है तो वो उसके बारे में ओके पक्का पूछते हैं। ओके 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 जनरली राइट। सर सो नॉन टेक में वो लोग टूरिस्ट स्पॉट्स और मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये मेजर एरियाज रहते हैं सर। एक रजत मुझे एक सवाल और ध्यान आ रहा है जो कैंडिडेट हमेशा पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। सर करंट अफेयर्स बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, फॉर सपोज अगर कैंडिडेट J&K का रहने वाला है सर तो बस उससे इतना पढ़ ले कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, अभी लिथियम के रिजर्व्स कहाँ मिले हैं, बस ये। डोंट बी एन IAS एस्पायरेंट और अदर एस्पायरेंट, बिकॉज आप एक इंजीनियर हैं सो मेक श्योर कि वो आपसे क्वेश्चन भी वैसे पूछे। अगर आप राइट नॉन टेक राइट की तरफ राइट से ज्यादा लेकर जाएंगे वो चला तो जाएगा बट दैट कैन गो अगेंस्ट यू ओनली सर। राइट। अगर मान लो आपको नॉन टेक के इतना नॉलेज नहीं है और आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में ज्यादा पता है, तो आप यस उसको उतना सर एक्सप्लेन ना करें कि सामने वाले को ये डायरेक्शन लगे कि इसको बहुत ज्यादा ये आता है और इसी पे क्वेश्चन करे जाए। यस सर जिस एरिया में आप कंफर्टेबल नहीं है, सो डोंट गो विद दैट, है ना। अपना रूट ही चेंज कर यस लें सर आप। राइट रजत, मैं सही कह रहा हूँ? मेक श्योर कि सर इंटरव्यूअर को आप टेक्निकल पार्ट पे जल्दी से जल्दी लेके आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार आप पढ़ते आ रहे हो और आप काफी टच में हो और कहीं ना कहीं उन चीजों को आप जस्टिफाई कर पाओगे। और और सर नॉन इंटरव्यूअर टेक्निकल का तो अगर ऐसा है। हाँ और इंटरव्यू सर अगर एक बार जब टेक्निकल पार्ट पे आ जाता है फिर वो नॉन टेक पे वापस नहीं आता है, वो सिर्फ उसी पे नहीं ही आता। कंटिन्यू करता राइट 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 राइट। एक क्वेश्चन और है रजत की हॉबी को लेके बड़ा, कि सर मेरी तो कोई हॉबी नहीं है, अब मैं क्या कहूं। मैं तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरी कोई हॉबी नहीं है तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा बहुत। इसका क्या परफेक्ट है। आंसर हो श्योर सकता है? सर कई बार जनरली हॉबी अगर नहीं भी है सर ये रहता है, अगर आप कह देते हैं कि रीडिंग एक हॉबी है सर जनरली फिर कैंडिडेट जल्दी में कहते हैं कि रीडिंग इज अ हॉबी, तो वो राइट रीडिंग में सर बुक वो पूछ लेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपने रीड की है सर, अगर आप राइट कहेंगे कि राइट। मैंने अभी तक 4 बुक्स रीड की है तो वो सिंपली समझ जाएगी कि झूठ बोल रहा है, बिकॉज इफ रीडिंग हैज बीन अ हॉबी तो एटलीस्ट 30 to 40 बुक्स तो आप उस एज राइट तक तो राइट आपको पढ़ राइट ही लेनी चाहिए। राइट। सो हॉबी सर जनरली वो टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है और आपको उसमें डीपली आता है तो ठीक है, वरना सर आप कोई भी एक ऐसी छोटी सी हॉबी या ऐसा कुछ बता दें जैसे फोटोग्राफी बता दें या ऐसा कुछ आपको छोटा बता तो पड़ेगा सर, बिकॉज यू कैन नॉट से दैट आई डोंट नी हॉबी, बिकॉज राइट वो राइट राइट। पर्सनैलिटी, बिकॉज दैट्स नॉट एन इंटरव्यू सर, वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। सो पर्सनैलिटी हर टेस्ट है, आदमी में बिल्कुल कोई हॉबी तो होनी ही चाहिए सर। राइट राइट राइट। सो सर इसीलिए इसको बट हम सब में कोई ना कोई हॉबी होती है सर, बट कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही पहचान नहीं पाते कि हमारी हॉबी क्या है सर। राइट राइट। तो इसीलिए इसको पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं कि आपको पर्सनैलिटी चेक करते हैं। जैसे कि रजत ने और श्योर मैंने सर बात की पहले ही कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो आपके ऑलरेडी रिटन टेस्ट में चेक हो चुकी है। अब तो चीजों को प्रेजेंट यस कैसे करते हैं, आपका पर्सनालिटी के आप हो कैसे इंसान, वो चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे। श्योर सर अच्छा, एक एक सवाल और है कि सर विल आई गो फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ना, क्या कैन एनी लैंग्वेज कैन बी एनी बैरियर, मतलब हो सकता है क्या बैरियर रजत? बैरियर नहीं हो सकता, बट हाँ अगर वो जो आपसे पूछ रहे हैं अपने अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, फिर चाहे आप ओके हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले, बट अगर वो जो पूछ रहे हैं प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे सर सो आप इंग्लिश बोले अपनी को लोग हिंदी बोले दैट विल गो अगेंस्ट यू। अगर आप, इसका मतलब ये कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द इंग्लिश देन गो विद द हिंदी, है ना। एटलीस्ट यू कैन यस कम्युनिकेट वेरी वेल, उनसे श्योर कनेक्ट कर सर पाओगे, इंटरेक्शन कर पाओगे। इट इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन रजत, राइट। श्योर सर ओके, और कोई टिप्स आप देना चाहो जो अभी कैंडिडेट जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैंने आपसे काफी समय ले लिया। और मैं अभी बता दूं जो भी इस वीडियो को देखेंगे कि रजत ने अपने काफी क्रुशियल टाइम में से एक टाइम निकाला है आपके लिए। तो जो भी टिप्स ये बता रहे हैं उनको प्लीज आप ध्यान से देखें और उन पे काम करें, क्योंकि ये एकदम कोर ऐसी टिप्स हैं जिन्होंने फेस की हैं और जिनका सोल्यूशन से उन्होंने ये जो है ना कोड क्रैक किया है। हाँ रजत बताइए। सर सबसे पहले मैं किसी भी कैंडिडेट को यही कहूंगा कि बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज अगर आप ओके कॉन्फिडेंट नहीं है और आपके पास ढेर सारे टेक्निकल नॉलेज है दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द इंटरव्यू सर। इंटरव्यू पैनल में 3 तरह के लोग होते हैं सर, पहला रहता है चेयरमैन जो आपसे आपका सिर्फ नाम पूछेगा, बेसिक आपके डिस्ट्रिक्ट के डिटेल्स, आपके नियर अबाउट कुछ पूछेगा, हॉबी एंड सो एंड सो। उसके बाद सर दूसरे मेंबर्स आते हैं जो टेक्निकल तो है बट दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, वो कोई प्रोफेसर नहीं है सो वो आपसे जो भी पूछेंगे वो ओवर किसी भी सब्जेक्ट का जनरली एक बेसिक ओवरव्यू होगा, जनरली एक स्ट्रेस टेंसर पूछ लिया, वेट ऑफ
बॉडी पूछ लिया या राइट सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ लिए, और जो राइट थर्ड लोग द थर्ड पार्टीज टेक्निकल एक्सपर्ट्स, वो 2 से 3 लोग होंगे जो आईआईटी प्रोफेसर या एलआईटी प्रोफेसर रहते हैं, ओके okay. दिल गो डीप इन टू द सब्जेक्ट सर। सो जनरली कैंडिडेट पहले चेयरमैन से मीटअप करेगा, फिर दूसरे लोगों से, एट लास्ट ही विल कम टू द टेक्निकल एक्सपर्ट। सो सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे काम। आप पहले द मोमेंट यू एंटर द रूम टू द मोमेंट यू एंटर द लीव द हॉल सर, आपको काम और कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप वो नहीं रहेंगे, डजंट नो डजंट मैटर कि आप रिटर्न में कितना अच्छा स्कोर करेंगे, आपको इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे नंबर मिलने नहीं वाले। राइट 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 और सर मैं हर कैंडिडेट से ये कहूंगा कि ट्राई टू गिव एज मच बॉक्स एज दे कैन, चाहे ऑनलाइन मोड में दे या ऑफलाइन मोड में दे, बिकॉज राइट बॉक्स राइट देने से ही पता चलेगा कि वेयर दे आर गोइंग टू स्टैंड। मैंने भी राइट बॉक्स राइट दिए थे सर, तो वहीं से अपनी गलती पता चली थी। बिकॉज अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं, जब तक आपको कोई और फीडबैक नहीं देता। बिकॉज राइट रिटन टेस्ट में राइट तो यू आर जस्ट अगेंस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट इंटरव्यू में यू आर जस्ट अगेंस्ट द रियल पीपल जो आपसे पूछ रहे हैं। राइट आपको एक चीज आती है और आप एक चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। राइट 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 और वो लोग जो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, उन लोगों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट वो लोग हैं जो उसके नहीं कर पाते, राइट राइट जस्ट राइट बिकॉज उनके परसेंटेज स्किल्स अच्छे नहीं थे, राइट नॉट बिकॉज राइट उनको पता नहीं। तो ये एक चीज है जो हर कैंडिडेट को अपने माइंड में रखनी चाहिए सर। कंप्लीटली अग्री विद यू रजत, कंप्लीटली अग्री विद यू। यस जब मैं अगर कंक्लूड करूं आज के सेशन को रजत, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है कि बी कॉन्फिडेंट एंड बी बैलेंस्ड, बी काम, है ना, डोंट ब्लफ, बिल्कुल भी ब्लफ ना करें आप। और यस सर लैंग्वेज को लेके दिमाग में कोई भी आप ना रखें कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, और गैप को लेके भी आप ना हो कुछ भी ऐसा, मतलब अगर आप जिस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं उसको आप अपने उसमें रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव करेगा। बट हाँ, अगर आप किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव ही जाने वाला है, डेफिनेटली उसको फिर कोई रोक भी नहीं सकता है। यस सर सो मेन तो यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और आप काम रहें, बैलेंस्ड रहें, ब्लफ ना करें, और तीनों ही चीजें, टेक्निकल पढ़ें, एचआर पढ़ें, आप एचआर देखें, आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में देखें, हमारे भी निम्बस लर्निंग के बहुत सारे आरपीएससी के इंटरव्यूज हमने काफी सारे कराए थे, आपको पता होगा रजत, जेके पीएससी सर, के मैंने मैंने वही काफी देखे सारे, थे, हाँ मैंने काफी स... आरपीएससी के काफी वीडियोस तब देखे थे सर, ओके तो उससे एक ओके जनरली एक पता चल रहा था कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। बिकॉज राइट जब हम राइट टेक्निकल पढ़ते हैं तो सर वी गो डीप इनटू द सब्जेक्ट, बट इंटरव्यू में वो इतना डीप जाएंगे नहीं सर, राइट बट दे लुक राइट इज राइट बेसिक ओवरव्यू सर। राइट राइट कि आप और सर सिचुएशंस में कैसे एक्ट करते हो, ऐसे श्योर सिचुएशन में सर डाल देते हैं कि आप एक्शन देखते हैं कि अब आपका एक्शन क्या होने वाला है इसके ऊपर। और सर इंटरव्यूअर को जो चीज कैंडिडेट में बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो झूठ बोलना सर, झूठ और वो लोग बोलना, काफी एक्सपीरियंस झूठ समझ जाते हैं सर। बिल्कुल कि बिल्कुल अगर आप जॉब डेफिनेटली। कर, कई बार होता है कि कैंडिडेट सिर्फ 1 साल जॉब करता है बट कहता है कि इसे मैं 3 साल से जॉब कर रहा था सर, राइट दे विल राइट फिगर इट राइट आउट, राइट आप राइट उनसे बच राइट नहीं सकते। क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतने इंटरव्यू ले चुके हैं, इतने वो साइकोलॉजिस्ट इतने हो जाते हैं कि आपके चेहरे के फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि आप कहाँ श्योर लैग सर कर रहे हो, कहाँ नहीं, और आपको तुरंत पकड़ लेंगे वो। तो ये तो आप बिल्कुल पहला स्टेप मान लो, मैं तो कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस से पहला भी आप अगर आप प्रेफरेंस वाइज लिखोगे ना पॉइंट्स, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे को झूठ नहीं बोलना है, मेरे को ब्लफ तो बिल्कुल ही नहीं करना है, यस क्योंकि वो सर पूरे, वो मुझे लगता है कि -1 नहीं, वो तो पूरे पे 0 कर देगा। श्योर सर बिकॉज अगर आप वो 30-40 मिनट ही ईमानदारी नहीं शो कर पा रहे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ऑनेस्टी राइट इन इन द द कमिंग थर्टी सिस्टम, टू फोर्टी राइट यस राइट सर सिस्टम में आप अगर ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर तो मतलब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर रहेगा, तो ये बिल्कुल भी श्योर आप सर ना करें। तो ये कंक्लूजन है कुछ, और मॉक इंटरव्यूज काफी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं तो कहता हूं कि मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ आपके अगर आसपास जो फ्रेंड्स लोग हैं या कोई भी, उनके साथ बैठो, डिस्कशन करो, और अपना उनको बताने की कोशिश करो, चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, एंड श्योर दिस कैन सर नॉट बी चेंज ओवरनाइट, ओवरनाइट तो चेंज होने वाली है ही नहीं। तो इस यस सर प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस 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 इसी से होगा। और जब आप किसी अननोन फेसेस के सामने, जो आपको पता है कि इनको बहुत नॉलेज है, उनके सामने जब प्रेजेंट करते हो, तब आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सो यस मॉक सर आप दें, जितना दे सके उतना दें, एटलीस्ट मैं तो कहूंगा कि 2 से 3 इंटरव्यू में जाने से पहले मॉक दें आप, टू टू थ्री और मॉक्स आर वेरी वेरी मिनिमम इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक नीड है मुझे लगता है रजत, ये तो बेसिक नीड है टू डू यस थ्री मॉक्स। तो मॉक दें अपना, और जो जो प्लेटफॉर्म है निम्बस लर्निंग के, बहुत सारे वीडियोस हैं अलग अलग स्टेट कमीशन की, यूपीपीसीएस के भी हैं हमारे, आरपीएससी के भी आपको मिल जाएंगे, जेके पीएससी भी मिल जाएंगे, अतुल का भी सेशन मिल जाएगा आपको वहां पे।
कि कैसे मॉक सर इंटरव्यू था अतुल का, तो आप उनको देखें और प्रैक्टिस करें। और जो जो भी अतुल ने आप हाईलाइट्स बताइए, काफी मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट टॉक किए हैं रजत, बट मुझे लगता है कि आपने जो बताया है ना टू द पॉइंट कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड एंड क्या रिक्वायर्ड नहीं है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, मतलब द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अगर मैं कहूँ तो रजत आपकी काफी अच्छी लगी। मतलब इट इज, अब मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला स्टूडेंट्स के लिए। और यस सर, जिस कैंडिडेट के पास गैप है, जस्ट डोंट डोंट फील अशेम्ड, वो गैप से उन्हें कोई राइट, फर्क नहीं पड़ता, बट द मोमेंट यू एंटर बी कॉन्फिडेंट, बी जस्टिफाई कॉन्फिडेंट, योर गैप। अगर आपने राइट सिंपल राइट तैयारी की राइट थी तो सिंपली वन से सर मैंने सिंपल तैयारी की है सर। और ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पास गैप 5+ ईयर्स का भी था। राइट 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 गुड 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 रजत। सो बड़े हम्बल हैं हमारे रजत जो हैं, काफी उन्होंने, मैंने थैंक यू कॉल किया और उन्होंने क्विकली हाँ कर दिया, हाँ सर मैं बिल्कुल गाइड करूंगा, और अगर मतलब हमारे सेशन से अगर स्टूडेंट्स को कुछ मिलता है तो वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपका भी सिलेक्शन हो तो डेफिनेटली आप, हम चाहेंगे कि आप आने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करें, हमसे जुड़े, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलती रहे। तो ये हमारा एक बेसिकली सेशन का मोटिव रहता है। सो रजत थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, आपने अपने इतने कीमती समय में से अपना समय निकाला और स्टूडेंट्स को इतने बेहतरीन तरीके से बताया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा प्लेजर थैंक यू बोलूँ। प्लेजर सर। ओके थैंक यू सो मच। सो रजत मिलते हैं फिर से, और ऐसे ही अपना सेशन आगे भी चलते रहेंगे, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी डेफिनेटली निम्बस लर्निंग विल कॉल यू। ओके सर, ओके रजत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel, and press the bell icon for the latest updates. Thank you.